न्यू दिल्ली गेट स्वामी सरन मोहल्ला में यहाँ पर पानी जो आ रहा है जिला विभाग की इतनी बड़ी खामियाँ हैं को यहाँ के देखते तक नहीं है। इतना गंदा पानी आ रहा है कि आदमी नाली में डालता है तो उस तक में बदबू आती है। हमारे जो पार्षद राजू साहू उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसको हमने काफ़ी कह दिया, बेचारा वहाँ भी गया कहने जिला विभाग में, उसको सुनवाई नहीं हुई। पानी गंदा आ रहा है, बड़ी तकलीफ़ हो रही है, यहाँ पर बड़ा गंदा पानी, बिल्कुल पानी गंदा है, मटमेला है, अंदर बड़ा बदबूदार है, अंदर बड़ा कचरा आ रहा है, कीड़ा आ रहे हैं, बहुत गंदा बदबूदार पानी है। मेरा हाजी वसीम चिश्ती, हमारे मोहल्ले में समस्या यह है कि जलदाय विभाग में कई मरतबा शिकायत करने के बावजूद भी कोई आकर के नहीं झाँकता है और ना ही कोई देखता है, और जब सप्लाई का वक्त होता है तो इतना गंदा गटर का बदबूदार पानी आता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अगर गलती से कोई व्यक्ति उसे पी भी ले तो अभी गर्मी का मौसम है, कोई भी हादसा हो सकता है, उसके लिए जलदाय विभाग स्वयं जिम्मेदार होगा। और हमने जलदाय विभाग में भी शिकायत करी है, कंप्रेसर से पानी आता है, वो लोग कोई सुनवाई नहीं करते, तो कम प्रेशर से आता है। तो इन चैनल के माध्यम से मेरा ये जलदाय विभाग से आग्रह है कि वो हम यहाँ के निवासियों की समस्या को तुरंत प्रभाव से दूर कराने का कष्ट करें। एओ हमारे पार्षद राजू भाई, उनकी तरफ से भी उन्होंने भी मोहल्ले में बहुत बढ़िया काम कराया है, और वो भी कई बार जाके जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिले मगर उनकी कोई नहीं सुनता है। वार्ड 8 स्वामी सर्वानंद मोहल्ला दिल्ली गेट अजमेर, मेरा नाम जलालुद्दीन है।